एंड यू बिलीव इट कि दुनिया की सबसे छोटी बर्ड दैट्स कॉल्ड हमिंग बर्ड वो भी हमें बहुत बड़ी और ऊंची सोच दे सकती है। ऐसे ही कुछ हुआ मेरे घर में लगभग 1.5 महीने पहले, जब बारिश और तूफान आया और किसानों की फसलें जो गिरने की हालत में थी और काफी नुकसान भी हुआ, तब एक छोटी सी चिड़िया, एक हमिंग बर्ड, जूझ रही थी अपने घोंसले को बचाने के लिए। उसने देखा कि बारिश की वजह से उसका घोंसला तहस नहस हो चुका है, लेकिन सुबह ही सुबह मैंने देखा कि किस तरीके से मेहनत मुशक्कत के साथ उसने उस घोंसले को जो गिरने वाला था उसको मजबूती दी और एक एक दिन का जोड़कर मुरम्मत करके उसको बहुत खूबसूरत घोंसला, एक आशियाना, एक मोहब्बत का घर बना दिया। और आज ही मैंने देखा कि दो छोटे छोटे से बहुत खूबसूरत से बच्चे अंडों में से निकले हैं और ये वही घोंसला है दोस्तों जो बहुत बुरी हालत में था, कोई उम्मीद नहीं थी कि ये घोंसला बचेगा। दोस्तों ये सीख मैंने ये ली है कि हमारे घरों में, हमारी दुनिया में, हमारे समाज में इस तरीके के मतभेद होते हैं, विपरीत हवाएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं, लेकिन जिस तरीके से चिड़िया ने अपनी दिलेरी दिखाई, विश्वास दिखाया, आत्मविश्वास बनाकर रखा, उससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी मजबूती से विपरीत हवाओं को झेलना है। वी नीड टू फेस ऑल द ऑर्डियल्स एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जिंदगी की जंगे वो नहीं जीतते जो मजबूत होते हैं, जीतते वो हैं जिनके इरादे मजबूत होते हैं।